राम राम सा, एक बार फिर हाजिर हाँ एक नयो वीडियो देर। तो बड़ा ना प्रणाम दोस्ता ने, राम राम। तो वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेयर कर बो मत भूल जो, कोई बात हुए तो कमेंट जरूर करिया, और हाँ चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लिया ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम सर पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आप सभी ने, आपका सगड़ा परिवार ने सकर्म क्रांति, सॉरी सॉरी मकर संस्कृति, नहीं 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 मकर संक्रांति की घनी घनी शुभकामना। तो दोस्तों शुरू कर रहा आज को वीडियो, उम्मीद है आप सब ने पसंद आसी। तो दोस्तों मिया आप सब ने बेरो हैं कि सकर्म क्रांति, सॉरी मकर संस्कृति, नहीं, खैर जो भी है बकाल है, और बिना और ई दिन हर घर में आपा तिल का लड्डू बनाया करा। शरीर ने गर्म रखबा और ऊर्जा प्रदान करने के लिए सर्दियों में तिल का लड्डू बनाया जाया करे। ये लड्डू बनाना में बहुत आसान हुए और खावे में भी बड़ा स्वादिष्ट हुए। तो इन्हें आपा और भी हेल्दी तरीका से बनाया और एक नया तरीका से बनाया है, उम्मीद है आप सब ने पसंद आसी। तो शुरू कर रहा आज को वीडियो। तो दोस्तों इके लिए एक पेन में आपा लिशा मूंगफली लगभग 1 कप और अने सेक लिशा। पछा आपा 1 कप तिल लिशा और अने भी सेक लिशा। जब ये सीख जैसी तो आपको कलर बदल जैसी। तो अब आपने करना है 1 कटोरी से केड़ी मूंगफली, 1 कटोरी से केड़ो तिल, 1 कटोरी गुड़। जितो मीठो आपने चाहिए आप भी अनुसार ले सको, और 1 कटोरी नारियल बुरो। अब मिक्सी जार में आ सब ने कर ले शा मिक्स और इको पाउडर बना ले शा। साथ में डाल दे शा आपा 1 चम्मच इलायची पाउडर और आने पीस ले शा। तो हो गया आप लोग पाउडर तैयार। आप आधो पाउडर इनमें से निकाल ले शा। और बी में डाल दे शा आप गुड़ जिको पाउडर बना लियो हाँ आप, और अच्छे से पीस लेवांगा। तो पाउडर हो गया है आप लोग तैयार, अच्छे से मिक्स हो गया है आप लोग पाउडर। अब इन आपा एक बर्तन में खाली कर देवा और हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेवा। अने एक बर्तन में खाली कर देवा दोस्त और हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेवा, और इको बना देवा आपा लड्डू। अने ग्राइंड करबा को फायदो वो है दोस्तों के छोटा बच्चा जब तिल का लाडू खावे तो वे ज़्यादा चबावे को नहीं, जिसे इका हेल्थ बेनिफिट बना पूरा को नहीं मिले। अब आपको आप पाउडर कर लिया हाँ, तो इको पूरो हेल्थ बेनिफिट बने अच्छे से मिल सी। तो तैयार कर लिया हाँ आपा तिल का लाडू। तो उम्मीद है आप सब ने वीडियो पसंद आए हुए, तो वीडियो ने लाइक कमेंट शेयर कर बो मत भूल जो, और हो सके तो चैनल ने सब्सक्राइब भी कर लीजो। एक बार फिर आप सब ने मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना। तो फिर मिला एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए
राम राम सा, शर्मिला।